हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कैप्सूल 15 वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 83 से कलेक्ट करते हुए जाएंगे क्वेश्चन 125 की तरफ में। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताऊंगी। जो क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट याद होने चाहिए, वो आपके लिए छोड़े जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन समझाने के हैं, बेसिक हैं, उनको मैं कर देती हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर, कमेंट, जो बेसिक रिचुअल्स होते हैं यूट्यूब के उनको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र या फिर गणित व अर्थशास्त्र। तो किसमें आपकी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजों को इंक्लूड किया जाता है, तो 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? देखिए, रसायन विज्ञान केमिकल्स से रिलेटेड है तो वो होगा नहीं, ठीक है। जीव विज्ञान आपका बायो है, उसमें से आपका आर्थिक पहलू आएगा नहीं। दर्शन शास्त्र फिलोसफी है, वो आएगा नहीं। तो गणित और अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक पहलू में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का डी ऑप्शन करेक्ट है। गृह विज्ञान का क्षेत्र है आहार एवं पोषण, आय व्यय की व्यवस्था, वस्त्र एवं परिधान, संपूर्ण गृह व्यवस्था। तो ये गृह विज्ञान का क्या क्षेत्र हो सकता है इसमें से? 84, देखिए अगर आप एक अगर एक सरसरी निगाह से देखेंगे तो आपको ये चारों ही चीजें लगेंगी कि हाँ ये सारी ही चीजें होनी है आपकी गृह विज्ञान के क्षेत्र में आती है। लेकिन संपूर्ण गृह व्यवस्था की जब आप बात करेंगे, तो आप जब अपने घर को संभालते हैं तो आप आहार पोषण को भी देखते हैं, आय व्यय की व्यवस्था को भी देखते हैं और परिधान वगैरह भी देखते हैं, कपड़े परिधान वस्त्र सब देखते हैं। तो ये संपूर्ण गृह व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 85, स्वस्थ सुखी और संपन्न परिवार की धुरी होती है असीमित आय, पौष्टिक आहार, कुशल गृहिणी या बड़ा मकान। इसका करेक्ट आंसर होगा 85। आपकी जो फैमिली की गृहिणी होती है, आपकी मदर है, आपके घर में जो भी आपकी फीमेल हेड होती है, वो एक सुखी और स्वस्थ और संपन्न परिवार की धुरी होती है, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को, उसकी आवश्यकताओं को देखकर घर को नहीं चलाती है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य, उनके मनोरंजन, उनकी संतुष्टि पर ध्यान रखते हुए घर के कार्यों को करती हैं। इसीलिए वो आपके मेन सेंटर पॉइंट होती है, आपके घर की खुशियों का जो खजाना होती है वो कुशल गृहिणी होती है। क्वेश्चन नंबर 86, गृह विज्ञान का आधार है विज्ञान सिद्धांत, व्यवहारिक नियम, विज्ञान व कला के सिद्धांत व नियमों को व्यवहारिक रूप, और इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है कि होम साइंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो ऑप्शन सी आपका 86 का यहाँ करेक्ट होना चाहिए। लेकिन आपका जो बुक है उसमें आंसर दिया हुआ है वैज्ञानिक सिद्धांत, ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान आपके दोनों ही चीजों से मिलकर बना हुआ है। 86 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 87 है, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है वस्त्रों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना, पारंपरिक वस्त्र को सरल व उत्तम बनाना, कला व विज्ञान सिद्धांतों को मिलाना या इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा इसमें से? 87 का करेक्ट आंसर क्या है? परिवार के जीवन को सरल एवं उत्तम बनाना। होम साइंस आपके आपके एनवायरमेंट के, आपके फैमिली के एनवायरमेंट, सभी चीजों को इजी से इजी मेथड बनाकर उनको, आपकी लाइफ को इजी बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर आप गारमेंट्स की बात करें, तो आप मार्केट जा रहे हैं तो कोई आपसे ठगी ना कर सके। पोषण में आप कुछ बच्चों को खिला रहे हैं तो कोई बीमारी ना हो। तो इन सब चीजों का जो काम है वो कौन ग्रह करता है? गृह विज्ञान करता है, जिससे कि आपकी लाइफ ज्यादा इजी हो, कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाए। 88 क्वेश्चन, वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? अमियालोटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम या फिर एमाइलेज। फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 88 का क्या आंसर होगा करेक्ट, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विद ट्रिक, जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए मैंने आपको ट्रिक दे रखी है, उस ट्रिक को लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि वैसे आप ट्रिक को याद नहीं कर रहे हैं मुझे जितना लग रहा है। इसीलिए इस फॉर्म में तो एटलीस्ट आप लोग याद करेंगे। आपकी ही बेनिफिट के लिए मैं आपको एक ये टास्क दे रही हूँ कि आप पहले लिखेंगे ट्रिक और उसके बाद लिखेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन 88 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन 89 है, शिशु को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए 3 माह की आयु से, 5 से 4 से या 6 से? तो आपका 89 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 6 माह की आयु से आपको पूरक आहार देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो सप्लीमेंट्री फूड होता है, जो माँ के दूध के अतिरिक्त दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रेशर कुकिंग, स्टूइंग, उबालना या फिर बेकिंग? वाष्प के द्वारा बन रहा है तो इसमें क्या होगा खाना? देखिए, स्टूइंग नहीं होता है, बॉइलिंग नहीं होती है। बॉइलिंग में आपको पानी का यूज किया जा रहा है। जो आपकी वाष्प के द्वारा बनती है वो इडली वगैरह बनती है ना? तो इसमें आपका, देखिए, प्रेशर कुकर हम
क्योंकि यहाँ पर आपका इडली वगैरह वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर प्रेशर कुकर ले सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में भी कहीं ना कहीं भाप के द्वारा ही भोजन बनता है, पानी उबलता है, उसमें भाप बनती है, प्रेशर से पानी बाहर, जो भाप है वो बाहर निकलती है। तो क्वेश्चन 90 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। 91 क्वेश्चन है, मनुष्य का पित्त वसा पाचन हेतु महत्वपूर्ण एंजाइम है, पित्ताशय द्वारा निर्मित है, वसाओं का पायसीकरण करता है, उपयोग सभी। तो आपका 91 का करेक्ट क्या आंसर होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका बाइल जूस क्या काम करता है। देखिए जो क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, जहां पर आपको बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको याद करना है और आंसर टिक करना है, वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, इसीलिए इनके आंसर्स मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा मुझे आपके लिए, अदरवाइज आप चीज़ों को लिटरली लेते रहेंगे, है ना। तो प्लीज़ इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट है, उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए, नहीं मालूम है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में कि मैम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, तो मैं वहाँ आपको बताऊंगी, लेकिन आपको खुद को टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं, बड़ी आंत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, मुंह, छोटी आंत, अमाशय या फिर वृक्क। बड़ी आंत जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है। 92 क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बड़ी आंत से ऊपर क्या होता है, आपके पार्ट्स कई होते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को नहीं पूछा है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर सिर्फ तीन नाम दिए। देखिए मुंह जो है तो सबसे ऊपर होता है, जो वृक्क होते हैं वो और अमाशय, ये तीनों ही चीजें आपकी बड़ी आंत के ऊपर नहीं होती, बल्कि छोटी आंत होती है, पहले छोटी आंत फिर बड़ी आंत आती है, ठीक है। क्वेश्चन 93, मनुष्य के दांत में दांतों के कितने प्रकार होते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कितने प्रकार होते हैं, मतलब यहाँ पूछा है कितनी बार दांत निकलते हैं, तो इस तरीके कितने प्रकार के दांत होते हैं। देखिए मैंने चार बताए थे, ट्रिक भी बताए थे आपको, आंसर भी बता ही दिया मैंने, चलिए बता देती हूँ, चार प्रकार के होते हैं, इंसीजर, आपके कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, चार प्रकार के आपके दांत होते हैं, ठीक है। 93 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं, रेनिन नामक एंजाइम जो अमाशय में बनता है प्रोटीन पर क्रिया करता है, केवल दूध की प्रोटीन को क्रिया करता है, दूध को फाड़कर प्रोटीन को अलग कर करता है, या फिर मंड को पचाता है। तो 94 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 94 का करेक्ट आंसर है आपका दूध की जो प्रोटीन है रेनिन उस पर काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, पित्तरस कहाँ बनता है, यकृत में, अमाशय में, अग्न्याशय में, पित्ताशय में। तो 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 95 का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, यकृत में, लिवर में बनता है। पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, पित्तरस में, जठर रस में, लार में, या फिर अग्न्याशय में। एंजाइम पेप्सिन कहाँ मिलेगा, 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 96 का करेक्ट आंसर है जठर रस में, पेप्सिन कहाँ होता है, जठर रस में। उसके बाद अंडे में पूर्ण अभाव होता है वसा का, प्रोटीन का, कार्बोज का, विटामिन का, कौन सी चीज एग में कंप्लीटली नहीं पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट इसमें एब्सेंट होती है या फिर अभाव होता है। हमें सबसे तीव्र ऊर्जा मिलती है प्रोटीन से, ग्लूकोज से, वसा से, या फिर विटामिन से। सबसे जल्दी ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, जब हम फेंट होने लगते हैं, कमजोरी आती है हमें, तब हम क्या लेते हैं, हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोन डी से ग्लूकोज लेते हैं, तो वो आपका ग्लूकोज है जो सबसे जल्दी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी कंज्यूम्ड, दैट कैन बी देन कैन प्रोड्यूस आपकी एनर्जी इन योर बॉडी, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सबसे जल्दी एनर्जी देता है। 99 क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन से बनता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्लूकोज तो जो है वो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट, ठीक है। तो प्रोटीन के पाचन से सबसे आपका क्या बनेगा, 99 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा करेक्ट, अमीनो एसिड। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, अमीनो एसिड्स है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आपके फैट के आपके यूनिट्स होते हैं, तो ये तीनों की यूनिट्स अलग अलग है, ग्लूकोज है कार्ब्स का, अमीनो एसिड्स हैं आपके प्रोटीन के, ग्लिसरॉल वगैरह आपके फैट के। तो 99 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर चलते हैं 100 की तरफ, ग्रसनी के बाद भोजन जाता है अमाशय में, गृहिणी में, शुद्रांध में, या बड़ी आंत में। तो 100 का करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 100 का, अब ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में, आपके स्टमक में जाता है, पित्तरस बनता है, पित्तरस कहाँ बनता है, अभी अभी क्वेश्चन आया था, रिपीट हो रहा है, यकृत में बनता है। पहली बार प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, बिल्कुल क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुका है, तो हमने वहां पे भी सॉल्व किया था। तो पहली बार प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी इसका आंसर बता चुकी हूँ। यकृत का मुख्य कार्य क्या है, पित्त संग्रह करना, अग्न्याशय स्रावित करना, पित्त बनाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। 103 का करेक्ट आंसर क्या है आपका, पित्त निर्माण करना यकृत का कार्य। देखिए क्वेश्चन को उल्टा कर दिया,
101 में क्या पूछा उसका उल्टा कर दिया, सेम वही चीज है। प्रथम बार प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर? देखिए अभी यहाँ पर पहली बार 102 में ही पूछा है, 104 में भी वही पूछ लिया है, तो दोनों की सेम आंसर होंगे। क्या आंसर होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 105 की तरफ। अमाशय का आकार कैसा होता है? लंबा, गोल, खोखला, थैला या मश्क जैसा? तो 105 का करेक्ट आंसर है थैला या फिर मश्क जैसा। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये सारी चीजें भी, ठीक है। पचे हुए भोजन का शोषण आहार नाल में किस भाग में होता है? एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? छोटी आंत के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट आपका 107 क्वेश्चन आता है, इस अंग का पाचन संस्थान से सीधा संबंध नहीं है, प्लीहा, क्लोम, पित्ताशय। 107 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? प्लीहा, तिल्ली का पाचन संस्थान से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन 108, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चन। स्तनियों के लाल रुधिरों में वायवीय श्वसन नहीं होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारियों के लाल रुधिराणुओं में वायवीय श्वसन नहीं होता क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 110 है। मुझे क्वेश्चन 109 में कुछ एरर लग रहा है, अगर अगर आपको भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इसमें बुक में आंसर इसका सी दिया हुआ है, लेकिन मुझे स्टिल कोई एरर लग रहा है इसमें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताएंगे, ठीक है, जिसको भी मालूम हो। 110 है, स्तनियों में टाइडल वायु होती है। वायु जो सामान्य सांस में फेफड़ों में भरती है, वायु कुल मात्रा जो फेफड़ों में भरी जाती है सामान्य उच्छ्वास के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु, या फिर वायु जो सामान्य उच्छ्वासन के बाद फेफड़ों से निकल जाती है, टाइडल वायु किसे कहते हैं? 110 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी, वायु जो की कुल मात्रा जो कि फेफड़ों में भरी हुई जाती है। 111 क्वेश्चन, अंतःश्वसन कौन करता है? वायु प्रकोष्ठ की कोशिका, ट्रेकिया, आहार नाल की श्लेष्मिक कोशिकाएं, सारी शरीर की कोशिकाएं। तो 111 का सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सारी शरीर की कोशिकाएं अंतःश्वसन क्रिया करती हैं। और उसके बाद आता है क्वेश्चन 112, कीटों में श्वसन रंगा है, कीटों में श्वसन रंगा क्या होता है? 112 का करेक्ट आंसर है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन के द्वारा कीटों में श्वसन रंगा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 113 है, रुधिर में 102 से सॉरी रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का संवहन किस रूप में होता है? कार्बोनिक अम्ल, बाइकार्बोनेट, प्लाज्मा के जल में घुलित रूप, या फिर कार्बोहीमोग्लोबिन। 113 का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बाइकार्बोनेट के रूप में। क्वेश्चन 114, किस विटामिन का सर्वप्रथम संश्लेषण किया गया? किस विटामिन को सबसे पहले संश्लेषित किया गया? 114 का करेक्ट आंसर है विटामिन B1। ट्रिप्सिन का स्रावण कहाँ से होता है? ट्रिप्सिन का स्रावण आपका अग्न्याशय से होता है। प्रोटीन की वो इकाई जो प्रोटीन बनाने के लिए लंबी श्रृंखला को जोड़ती है क्या कहलाती है? अभी हमने देखा था स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? अमीनो एसिड। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जाइमोजन कोशिकाएं स्रावित होती हैं, जाइमोजन कोशिकाएं स्रावित करती हैं HCl होना चाहिए, HCl नहीं, श्लेष्म, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन। 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पेप्सिन को स्रावित करती हैं। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 118, किस जंतु की टंग ताप नियामक में सहायक होती है, मतलब उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है? कुत्ते की जीभ। क्वेश्चन देखा आप, कुत्ता जब भी गर्मी लगती है तो अपनी जीभ को बाहर निकाल के सांस लेते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में जो अंदर हीट है उसको मेंटेन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 119, कोमल तालू का वह भाग जो ग्रसनी में लटका रहता है, पैलेटाइन, टॉन्सिल्स, विमल पैलेटाइन या फिर जैकबसंस अंग। तो कोमल तालू का भाग जो ग्रसनी में लटका हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? 119 का करेक्ट आंसर क्या है? टॉन्सिल्स होते हैं। हम कई बार कहते हुए कि हमारे टॉन्सिल्स फूल गए हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बहुत दर्द होता है, रेड हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो टॉन्सिल्स होते हैं। 120 क्वेश्चन, मनुष्य के में रुधिर तथा वायु के बीच में गैसीय आदान प्रदान होता है, शरीर कोशिकाओं में, फुसफुस के एल्वियोलाइज में, ट्रोकिया में या फिर नासा मार्ग में। 120 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फुसफुस की एल्वियोलाइज में आपका रुधिर में ये गैस का जो आदान प्रदान विनिमय होता है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 121, फुसफुस एक कोमल पत्ती झिल्ली से ढके रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ये किसके द्वारा ढके हुए होते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा ढके हुए होते हैं। क्वेश्चन 122,
श्वसन केंद्र जो कि श्वसन तथा निश्वसन पर नियंत्रण रखते हैं उपस्थित होते हैं। सुषुम्ना में, सेरिब्रेलम में, मेड्यूला ऑब्लिगेटा में या फिर हाइपोथैलेमस में। 122 का करेक्ट आंसर क्या है? मेड्यूला ऑब्लिगेटा में। नेक्स्ट आपकी लास्ट स्लाइड है आपकी आज की। 123 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना फुसफुस के विभाजित प्रक्रिया का अंतिम भाग है और जो गैसीय विनिमय में स्थान प्रदान करती है? तो आपकी ट्रोकियोल है, वायु कोपिका है, श्वसनिकाएं हैं, वायु कोष्ठिकाएं हैं। 123 का बहुत ही आपका इजी का क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। इंग्लिश में इसे हम एल्वोलाइज कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं वो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 124 है, एक निश्चित तापक्रम जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भीतर आने वाली ऑक्सीजन व निष्कासित 100 कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात में ऑक्सीजन अधिक होता है मुख गुहा व त्वचा श्वसन में, फुसफुसीय मुख गुहा व त्वचीय श्वसन में, त्वचीय श्वसन में, फुसफुसीय श्वसन में। तो 124 का करेक्ट आंसर क्या है? मुख गुहा व त्वचीय श्वसन में। क्वेश्चन लास्ट है आज आपका 125, रुधिर का सारा हीमोग्लोबिन फेफड़ों से बाहर जाते समय ऑक्सीकृत हो जाता है तथा तंतुओं तथा ऊतकों में पहुंचकर वह ऑक्सीजन छोड़ देता है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का उपापचय हो जाता है। फेफड़ों की तुलना में ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक तथा ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऊतक ऑक्सीजन का अवशोषण कर सकते हैं। डी है आपका, ऊतक में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक व कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जब रुधिर का सारा हीमोग्लोबिन फेफड़ों से बाहर निकालते समय ऑक्सीडाइज हो जाता है तथा ऊतकों में पहुंचकर यह ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो ये सब क्या है? फेफड़ों की तुलना में ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ आपका ये कंप्लीट होता है कैप्सूल 15 की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।